हेलो दोस्तों, जागरण जोश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे जुड़े हुए क्या कुछ फैक्ट्स निकल के आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीसरी से आठवीं कक्षा तक संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया है, यानी थर्ड स्टैंडर्ड से एट्थ स्टैंडर्ड तक जो है आपके लिए मैंडेटरी हो गया संस्कृत को पढ़ना, और ये किस राज्य सरकार ने किया। और सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तराखंड या यूके गवर्नमेंट, यूके स्टेट गवर्नमेंट। ये यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने, ये उत्तराखंड सरकार का ये एक ऑर्डर आया है। और ये ऑर्डर में जो उनके शिक्षा मंत्री ने ये बात बताई, उन्होंने बताया कि चूँकि संस्कृत जो है सबसे एंशियंट लैंग्वेज है और जो हमें समझना चाहिए क्योंकि हमारी एक धरोहर है, और इसी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा, बहुत ही अच्छा एक कदम होगा कि अगर हमारे बच्चे हमारी सबसे पुरानी भाषा को पढ़ें, समझें और उसे आगे फैलाएं। और इसी चीज़ को करने के लिए जो है उन्होंने इसे एक मैंडेटरी कर दिया कि ये सभी सरकारी और निजी स्कूल जो सरकारी नहीं है वहाँ पर भी अब संस्कृत को जो है पढ़ना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन सिर्फ तीसरी से आठवीं के बाद। उसके बाद आप फ्री हैं कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट और कल्चर या कोई सा भी लैंग्वेज आप वहाँ पे चुन सकते हैं। आपको अगर यहाँ पे ये भी उन्होंने बताया कि पूरे उत्तराखंड में CBSE और ICSE बोर्ड के स्कूलों की संख्या लगभग 5000 है। इसके अलावा संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों का मानदेय यानी सैलरी बढ़ाने का भी प्रस्ताव पे काम किया जा रहा है, और वो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने ये सारी सूचनाएं दी। इसके साथ ही मैं आपको एक और बातें बता दूं, जो कि यहाँ लैंग्वेज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उत्तराखंड में चार जो है मेजर भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी? एक तो हो गया हिंदी, दूसरा हो गया गढ़वाली, तीसरा हो गया कुमाऊनी और चौथा हो गया जौनश्री। इसमें सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं लोग वो बोलते हैं हिंदी, लगभग 45% के लोग हिंदी बोलते हैं। गढ़वाली 23% लोग गढ़वाली बोलते हैं। कुमाऊनी लगभग 20%, 19.94 लोग है, 20% के करीब लोग कुमाऊनी बोलते हैं। और जौनश्री जो है ये 1.35% जो है ये जौनश्री भाषा है जिसे बोलते हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे जो ग्रुप हैं वहाँ पे उर्दू, पंजाबी, बंगाली, नेपाली, मैथिली, थारू, जन, ये सारी जो हैं, ये सभी कुछ रावत, ये सारे भी लैंग्वेज हैं जो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ बोलते हैं इस पहाड़ी राज्य में। लेकिन इससे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूनेस्को जो है, वो यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुमाऊनी को और गढ़वाली को, इन दोनों को इंडेंजर्ड लैंग्वेज के तौर पे रेखांकित किया है। तो यह भी अपने आप में बहुत ही आपको एक कमाल की चीज़ है कि जहाँ पे कुमाऊनी और गढ़वाली जो है वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, फिर भी यूनेस्को ने इसे इंडेंजर्ड दिया। तो सरकार को इसको भी बढ़ाने का काम करना चाहिए, और साथ में संस्कृत जो कि ऑलरेडी भारत सरकार ही इसके ऊपर काम कर रही है, तो इसे बढ़ाने का तो सही एक कदम कहा जा सकता है। और इसे व्यापक रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, ना सिर्फ एक राज्य में बल्कि और भी राज्य में, बहुत सारे राज्य में इसे पढ़ाया भी जाता है, क्योंकि ये आप देखें तो भारत का जो है पहले एक भारत देश का ही एक लैंग्वेज हुआ करता था, जब वैदिक था, वैदिक कल्चर के समय संस्कृत बोलते थे, तो उसी के लिए सारे जो आप वेद पुराण देखते वो संस्कृत में लिखा गया। अगर हम उसे नहीं जाने तो हम शायद कहीं ना कहीं अपने जो हमारे जो मूल हैं हम उसे पीछे छोड़ रहे हैं। बहरहाल हम बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पर। भारत ने किस योजना के तहत जुलाई 2019 में $1.69 बिलियन का अब तक का उच्चतम मासिक प्रवाह दर्ज किया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, उदारीकृत प्रेषण योजना, जैसे इंग्लिश में लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी कहते हैं, LRS, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, और या फिर उदारीकृत प्रेषण योजना। इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया से गया है वो जुलाई 2019 में $1.69 बिलियन गया है, और इसमें सरकार ने ऑलरेडी जो है 2,50,000 तक की छूट दे रखी थी पिछले वित्तीय वर्ष में, जिसमें अगर आप बाहर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या बाहर आप कुछ करते हैं तो आप एक बार में इतना पैसा ले जा सकते हैं। तो ये सारे नियम वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी हैं, और जिसके तहत जो है सबसे ज़्यादा पैसे का जो प्रवाह देखा गया वो जुलाई में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि
किस महीने में, या फिर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में आप समझ लें कि ये जो LRS योजना है, ये RBI ने 2004 में $25,000 के सीमा के साथ प्रारंभ की थी, और बाद में इसे अभी पिछले साल बढ़ा के $250,000 तक भी इस पर छूट दी गई। लेकिन आपको ये बात ध्यान पर रखनी चाहिए कि जो भी लोग LRS में जो भी पैसे का कुछ खरीदते हैं या कुछ यहाँ पे खर्च करते हैं, तो उन्हें इसके लिए अप जो व्यक्ति हैं, वहाँ के निवासी व्यक्ति हैं यानी भारत के भारतीय का, अपना पैन कार्ड देना अनिवार्य है इसके तहत। तो ये एक है जिसे हम सबको ध्यान पर रखना चाहिए। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। हमारी वेबसाइट jagranjosh.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल उत्कृष्टता पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है, यह तनाव, संघर्ष, आतंकवाद से मुक्ति, शांतिपूर्ण और समृद्ध दक्षिण एशिया बनाने में उल्लेखनीय सहयोग हेतु दिया जाता है। यह पुरस्कार देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के मुख्य सलाहकार राजदूत TP श्रीनिवासन ने ढाका में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक समारोह में शेख हसीना को प्रदान किया। अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य ने बनू के निकटवर्ती क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु बायो फेंसिंग के प्रयोग का फैसला किया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। राज्य वन विभाग अब तक आवासीय क्षेत्रों में हाथियों, जंगली सुअरों, बाघों, तेंदुओं, अन्य जानवरों के प्रवेश को रोकने हेतु जंगल में सौर ऊर्जा से संचालित तार की बार, दीवारों और गड्ढों जैसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करता रहा, लेकिन अब बायो फेंसिंग पौधों या झाड़ियों की पतली या संकरी पट्टीदार लाइन होती है जो जंगली जानवरों के साथ साथ हवा के झोंकों और धूल आदि से भी रक्षा करता है। तो अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो बायो फेंसिंग करेंगे और इससे जो भी जंगली जानवर होते हैं उनको रिहायशी क्षेत्रों में आने से रोका जा सकता है। अगला सवाल। भारतीय नौसेना को हाल ही में मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा सौंपी गई पनडुब्बी का क्या नाम है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, INS खंडेरी। भारत की INS कलवरी श्रेणी की दूसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS खंडेरी हाल ही में भारतीय सेना को दे दी गई मजगांव डॉक लिमिटेड द्वारा। इस श्रेणी की पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया जा रहा है। इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में बोली है, आप चाहें तो पिछले वीडियोज़ में देखेंगे प्रोजेक्ट 75 क्या होता है। INS खंडेरी समुद्र के अंदर दुश्मन पर नज़र रखने और जवाबी कार्रवाई करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। अगला सवाल। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच होने वाले त्रिपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास का क्या नाम है? और सही जवाब है ऑप्शन सी, सिटमैक्स। सिटमैक्स एक ट्राइलैटरल ये एनुअल नौसेना का युद्धाभ्यास है जो कि भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना चाहिए कि सिटमैक्स किन तीन देशों के बीच आयोजित होता है और कौन से सेना द्वारा होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो किस देश द्वारा? तो भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। किस सेना द्वारा? तो नौसेना द्वारा, नेवी के द्वारा। इसका उद्देश्य है नेवी का आपसी सहयोग और ज़रूरत के समय एक दूसरे के सैन्य उपकरण के लिए समझ विकसित करना। इसके अतिरिक्त इससे भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिति को मजबूती भी मिलती है। अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसे भारत का अगला वायुसेना अध्यक्ष चयनित किया गया है? और सही जवाब है ऑप्शन ए, RKS भदौरिया। सरकार ने हाल ही में RKS भदौरिया को वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे जो हैं एयर चीफ मार्शल BS धनोआ के जगह लेंगे। BS धनोआ
30 सितंबर को चीफ ऑफ एयर स्टाफ के पद से रिटायर हो रहे हैं। भदौरिया भारतीय वायुसेना के सबसे बेहतरीन पायलटों में से एक है। इन्होंने अब तक 26 प्रकार के लड़ाकू और परिवहन विमानों को उड़ाया है, इसमें राफेल भी शामिल है। अगला सवाल, बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के निर्देशन के लिए प्रसिद्ध किस निर्देशक का हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और सही जवाब है ऑप्शन ए, श्याम रामसे। श्याम रामसे या रामसे ब्रदर्स, अगर आप इनको जानते होंगे तो रामसे ब्रदर्स नाम से बहुत सारे हॉरर फिल्मों को प्रोड्यूस किया गया और उनमें जो थे श्याम रामसे, ये बहुत ही दिग्गज निर्देशक थे, इन फिल्मों के निर्माता निर्देशक दोनों ही थे ये। उनका हाल ही में निधन हो गया। उनकी जो फिल्म सफर रहा है उसमें पुरानी मंदिर 1984, अंधेरा 1975, सबूत 1980, पुरानी हवेली 1989, धुंध द फॉग 2003 जैसी फिल्मों का निर्देशन किया। श्याम रामसे को 1980 और 90 के दशक में विभिन्न हॉरर फिल्मों के कारण भी बहुत प्रसिद्धि हासिल हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का पहला सेगमेंट। बढ़ेंगे अगले सेगमेंट पे, जहाँ पे मैंने आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब बताएंगे और आपके लिए नया सवाल भी होगा। मैंने आपसे पूछा था, भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने हाल ही में कजाकिस्तान में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? और सही जवाब है ऑप्शन सी, कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। और इसके साथ ही वो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर गई है। और अब एक सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक रही? आप अपने जवाब को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहें jagranjosh.com।